मेन जो मंदिर है देख सकते हैं, प्राचीन श्री हटकेश्वर नाथ जी का मंदिर, जो कि एक महादेव कर जो है 50 से ज़्यादा मंदिर यहाँ पर जो है स्थित है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उफान पे है अभी, तो जी हाँ देख सकते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो है कैलाश गुफा, जैसे कि आप यहाँ पर देख, हे गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज के व्लॉग्स। दोस्तों फाइनली फिर से मैं लेकर आ गया एक नए वीडियो में, एक नई जगह में। तो देख सकते हैं फिलहाल मैं जो हूँ महादेव घाट रायपुर में, तो इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में जो है आपको साथ ही साथ में बताता जाऊँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो है पहुँच चुका हूँ। तो सबसे यहाँ पर मेन जो मंदिर है देख सकते हैं, प्राचीन श्री हटकेश्वर नाथ जी का मंदिर, जो कि एक महादेव जी की जो है मंदिर है। तो यहाँ पर जो है टोटल छोटे से बड़े मंदिरों को मिलाकर जो है 50 से ज़्यादा मंदिर यहाँ पर जो है स्थित है। तो यहाँ पर चलते हैं अंदर और आपको जो है सारे भगवान के जो यहाँ पर दर्शन कराता हूँ। साथ ही इसके लोकेशन की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ताटीबंध से यह जो है लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही मैं जो आ रहा हूँ भिलाई पावर हाउस से आ रहा हूँ, तो मुझे जो है लगभग 30 किलोमीटर की दूरी जो है तय करनी पड़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत में यहाँ पर देख सकते हैं माता की यहाँ पर एक प्रतिमा है, और साथ ही साथ में सभी मंदिरों पर जो है नाम भी यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। तो आप वीडियो में बने रहिए और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पर नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान है, सामने में हटकेश्वर नाथ जी की जो है मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं, पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे, और सामने में यहाँ देख सकते हैं एक संत की प्रतिमा है, हो सकता है पुराने संत यहाँ पर, और शिवलिंग। तो चलिए हम चलते हैं, ये मेन मंदिर है यहाँ का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अंदर जो है फोटोग्राफी वगैरह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मना नहीं है। और यहाँ से चलते हैं अंदर की ओर, कुछ इस प्रकार का मंदिर है यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये जो है बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ में, और क्योंकि यहाँ पर जो है लक्ष्मण झूला जो है उसका एक प्रारूप यहाँ पर जो है बनाया गया है। तो जो कि एक झूले के आकार में चलते हुए जो है वो थोड़ा थोड़ा हिलता है, और पार करके जैसे जाएंगे तो उस तरफ एक गार्डन बनाया गया। यह जो है झूला, ये जो बनाया गया है लक्ष्मण झूला, यह जो है खारून नदी के जो है तट पर जो है बनाया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरे मन्नत की घंटियाँ यहाँ पर बंधी हुई हैं, और कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देख सकते हैं पॉलीथीन वगैरह, आपको कचरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए हम इस मंदिर में चलते हैं यहाँ से अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है हनुमान जी की एक प्रतिमा है, यहाँ पर भगवान हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। साथ ही यहाँ से चलते हैं अंदर, यहाँ पर जो आपको बताया मैंने, जैसा कि छोटी सी बड़ी मंदिर मिलाकर जो है लगभग 50 से ज़्यादा मंदिर यहाँ पर हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, उसके बाद मैं आपको लक्ष्मण झूला और जो है वह गार्डन दिखाऊंगा। गार्डन भी काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पर जो बच्चों के झूलने के लिए झूले वगैरह बहुत कुछ है, तो सारा कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ का खुलने बंद होने का टाइमिंग भी आपको मैं जो है आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर आपको जो है गणेश जी की भी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, भगवान गणेश जी भी यहाँ पर जो है विराजमान है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये देखिए अंदर में, यहाँ पर पूरा जो है बंद करके रखा गया, अंदर नहीं जा सकते हैं बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूर से, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, तो ये मंगला गौरी माता का यहाँ पर मंदिर है, तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं अगले मंदिर की ओर, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, माना जाता है 500 साल यह जो है पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और काफ़ी इतिहास भी है यहाँ का, जो कि मुझे अच्छे से यहाँ पर नहीं पता है, बट आपको गूगल पर मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी की यहाँ पर जो है मूर्ति है, यहाँ पर जो है विराजमान है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं कैमरा एंगल यहाँ से रोटेट करता हूँ, दूसरी तरफ करता हूँ, घुमाता हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ का जो है लक्ष्मण झूला, जिसे भी कुछ दिनों पहले ही बनाया गया, और काफ़ी मतलब बढ़िया है। शिवरात्रि में अगर आप घूमने आते हैं तो बहुत दूर दूर तक यहाँ पर जो है आपको भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा जो है जितने भक्त हैं वो यहाँ पर जो है इकट्ठा होते हैं। साथ ही यहाँ पर शनिदेव की यहाँ पर प्रतिमा है, और चलते हैं हम आगे की ओर, तो चलिए चलते हैं अब। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिव जी की एक यहाँ पर जो है शिवलिंग यहाँ पर रखी हुई है। तो इसी तरह के बहुत से मंदिर हैं यहाँ पर, आप जो है दर्शन कीजिए। मैं आगे वीडियो में जो है और भी जरूरी जानकारी, जैसे टाइमिंग खुलने का, बंद होने का, झूला कब खुलता है, सारा कुछ, तो उसे मैं बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो में आप बने रहिए।
तो यहाँ पर मैंने जो है पूरा दर्शन करा दिया। अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। बाहर में जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको प्रसाद वरसाद लेने के लिए सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा। अगर कुछ खरीदारी करनी है, कीरिंग वगैरह, तो वो सारा कुछ भी आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगा। और भी यहाँ पर मंदिर है, जैसे कि आप देख सकते हैं श्री कालेश्वर नाथ का यहाँ पर मंदिर है। और साथ ही पूरे दीवार में देख सकते हैं भगवान की जो है यहाँ पर पेंटिंग जो है बनाई गई है। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है करके यहाँ पर बहुत से देवी देवता यहाँ पर विराजमान है, जिन्हें मैं मतलब अच्छे से जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ मैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मतलब पुराना मंदिर है ये सब। दोस्तों अब मैं बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे क्रीम वगैरह है। यहाँ पर अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है, यहाँ से लेके जाना है कुछ, तो यहाँ पर जो है सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चूड़ी वगैरह यहाँ पर बहुत सारे आइटम आपको मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक के हो गए, खिलौने वगैरह बच्चों के लिए, खाने पीने का आइटम, सारा कुछ यहाँ पर आपको बाहर में जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे खिलौने वगैरह, अंगूठी उंगूठी, जितना भी पूजा पाठ का सामान है सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जो है लेकर जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये वीडियो काफ़ी पुराना है, इसलिए यहाँ पर जो है गणेश जी विराजमान है। मैं काफ़ी लेट यह वीडियो जो है पोस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप मेन मंदिर से बाहर आएंगे तो सामने में एक और मंदिर है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं श्री पंचदशमा। यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत सारे मतलब यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर को यहाँ पर बनाया गया है। और अंदर यहाँ पर जो है फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। मैं बाहर का ही आपको व्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी बढ़िया मंदिर है, मुझे यह जो है बहुत ज़्यादा ही जो है पसंद आया। तो ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ संत यहाँ पर जो है देख सकते हैं पूजा पाठ कर रहे हैं। और चलते हैं इस तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत पुराना यहाँ पर पेड़ है और साथ ही बहुत पुराना यहाँ पर जो है मंदिर है। तो यहाँ पर आप जो है दर्शन कीजिए, उसके बाद जो है आपको मैं लक्ष्मण झूला जो है दिखाता हूँ और उसका टाइमिंग वगैरह भी जो है आपको बताऊँगा। तो जैसे ही आप पूरा बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं खरीदारी के लिए बहुत सारी यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई है। साथ ही सामने में देख सकते हैं इस तरफ जो है लक्ष्मण झूला ऊपर जाने के लिए जो है यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टिकट वगैरह बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर टिकट विकट नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और यहाँ से एक व्यू हम जो है देख लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पर, यह जो है यहाँ पर खारू नदी के तट पर इसे जो है बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं और पानी काफ़ी ज़्यादा उफान पे है अभी। तो चलिए अब चलेंगे ऊपर की ओर और देखते हैं ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है, क्या दिखता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नाव वगैरह भी चलती है। तो 50 रुपये शायद पर पर्सन है और ऐसा कुछ है। तो ये देखिए ये लक्ष्मण झूला, सेम लक्ष्मण झूला जैसा यहाँ पर बनाया गया। चलेंगे तो ऐसा लगता है कि यह जो मतलब झूले के एक मतलब फील इसमें आती है चलते टाइम, हिलता है हल्का हल्का। तो चलिए यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर। और इसकी टाइमिंग की अगर बात करें तो यह जो है सोमवार के दिन जो है बंद रहता है, ठीक है, और सोमवार के दिन बंद रहता है। बाकी दिन जो है सुबह 6 से 10 बजे तक और दोपहर 3 से लेकर शाम को 6 बजे तक जो है लक्ष्मण झूला खुला होता है। मंदिर हर समय खुला हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप आएँ तो टाइम वगैरह का भी आप जो है ध्यान जरूर दें। तो चलिए यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रेलिंग जो है काफ़ी लंबा यहाँ पर जो है बनाया गया है। तो भाई यहाँ से ऊपर से नज़ारा आप देख सकते हो। और यही जो है शिवरात्रि के दिन हो गया और सावन के टाइम में जो पूरा यहाँ पर खचाखच भीड़ होता है, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर मेला वगैरह भी लगा होता है शिवरात्रि में और काफ़ी बढ़िया जगह जो है घूमने के लिए। तो चलिए और ऊपर चलते हैं और उस तरफ चलते हैं। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो भाई ये देखो, ये जो लक्ष्मण झूला है सेम वैसा ही यहाँ पर जो है बनाया गया है। और जो राज्य में है लक्ष्मण झूला सेम सेम वही है, एक तरह से देखा जाए तो सेम टू सेम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आप चलेंगे तो ये जो पुल थोड़ा थोड़ा सा हिलता है, वो इसलिए क्योंकि ये पूरा जो है रोप पे जो है बना हुआ है। नीचे में देख सकते हैं नाव है पूरी लाइन से सजा के एकदम बेहतरीन। तो आप इसमें आकर जो अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं सामने से नज़ारा आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो ये जो है दोपहर का टाइम था, मतलब वही करीब 3-3:30 बज रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है अभी बहुत खाली है। जैसे जैसे शाम होता जाएगा वैसे भीड़ यहाँ पर हो जाता है।
पर देखिए हम जो है ब्रिज पूरा जो है पार कर चुके हैं। जैसे ही पूरा ब्रिज पार कर देंगे तो ये सब देख सकते हैं महादेव की एक बड़ी सी जो है यहाँ पर प्रतिमा है। साथ ही यहाँ पार करेंगे तो यहाँ पर आपको कैलाश गुफा देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए झूले वगैरह तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार है तो यहाँ पर कोई भी टिकट वगैरह नहीं लगता। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पर आपको नाम पता बताना पड़ता है, ज़रूरत नहीं होता, कहीं कभी पूछता है बस ज़्यादा भीड़ होने पर। तो यहाँ देख सकते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो है कैलाश गुफा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शंख वगैरह काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। यहाँ पर साइड साइड में जो है दोनों तरफ पानी भरा होता है और बच्चों के खेलने के लिए अच्छा खासा जगह है। झूला वाला सब सारा कुछ है। अंदर में एक कैंटीन है, बाकी आप चाहे तो बाहर से सामान भी ला सकते हैं, खाने पीने का जो भी आइटम है। तो ये यहाँ का कैलाश गुफा है। तो यहाँ हमने इसे जो है पार कर लिया। अब चलते हैं सीधा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पर गार्डन है और काफ़ी साफ़ सुथरा है, फ़ोटोशूट के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह है। तो फ़ोटोशूट वगैरह भी आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और एकांत में बैठना है तो एक नंबर जगह यार, आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर एक घंटा दो घंटा जो भी है। और यहाँ से देख सकते हैं लक्ष्मण झूले का नज़ारा कुछ इस प्रकार है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं गार्डन में और आगे आगे आपको दिखाता हूँ आगे का जो नज़ारा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर मुफ्त गुंबद। तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था यहाँ पर जो जगह जगह की गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे तीनों तरफ, और काफ़ी बढ़िया सा इसे जो है बनाया गया है। चार्ज वगैरह तो ले नहीं रहा है, इस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लोग यहाँ पर जो है दूर दूर से घूमने के लिए यहाँ पर जो आते ही हैं। तो चलिए और चलते हैं आगे की ओर। तो अच्छा हरा भरा गार्डन है यहाँ पर देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप भी है। और यहाँ पे चलते हैं अंदर यहाँ से, और एकदम कॉर्नर में जो है बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूला है। साथ ही एक जो फुवारा टाइप का बना दिया गया, वाटरफॉल टाइप का छोटा सा, तो वो भी अच्छा खासा इंजॉय कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी चालू है या नहीं वो। तो बहुत ही सुंदर जगह है क्योंकि रायपुर में ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। भिलाई दुर्ग से लगभग जो है ये 30-35 किलोमीटर, और रायपुर से जो है मतलब जो ताटीबंध है वहाँ से जो है ज़्यादा नहीं 8 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्थित है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है नाव वगैरह चलती है, तो यहाँ से लोग जो आ जा रहे हैं ऐसा देख पा रहे हैं आप। और चलिए चलते हैं आगे। तो काफ़ी साफ़ सुथरा है, अच्छा खासा फ़ोटोज़ भी वगैरह भी यहाँ पर आप जो है क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत आगे जाने के बाद यहाँ पर जो एक कैंटीन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर खाने पीने का आइटम यहाँ पर मिल जाता है, जैसे पानी वगैरह कुछ खाने के लिए यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है महंगा हो क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लिया तो है नहीं कभी, बट यहाँ पर आकर आप जो है बैठ के खा पी सकते हैं। यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था भी अच्छी खासी की गई है और डस्टबिन वगैरह जगह जगह रखा हुआ है, जिसके कारण जो है कचरा यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता। बच्चों को खेलने कूदने के लिए यहाँ पर है ओपन जिम वगैरह है, और काफ़ी मतलब देख सकते हैं पेड़ पौधा हरा भरा यहाँ पर है, जो कि बैठने में बहुत ही जो है यहाँ पर सुकून मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फव्वारा था जो कि अभी बंद है, यहाँ पर जलपरी वगैरह यहाँ पे बनाया गया है स्टैचू। और चलते हैं आगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है पानी के अलग अलग जो है कारनामा यहाँ पर दिखाया जाता है, बट अभी ये जो है बंद है। तो यहाँ पर अभी जो है बंद है ये, यहाँ पर अभी पानी बिल्कुल भी नहीं, सूखा पड़ा हुआ है। तो चलिए और चलते हैं आगे की ओर। और कुछ देख सकते हैं यहाँ पर पूरा भी सुनसान है, और सामने में बच्चों के लिए यहाँ पर झूला वगैरह आपको बहुत प्रकार का मिल जाएगा, फिसल पट्टी हो गया, झूले के लिए मतलब अच्छा खासा जगह है। यहाँ पर आके अच्छा खासा आप जो एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर झूले आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही मिनी ट्रेन, हालाँकि चलता नहीं है सिर्फ खड़ा रहता है मिनी ट्रेन, तो उसमें भी आप फ़ोटोज़ वगैरह जो है आसानी से जो है क्लिक कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर झूले वगैरह बहुत सारे हैं, तो आप अच्छा खासा जो है यहाँ पर इंजॉय कर सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है जलपरी बनाया गया है और स्टैचू, एंड यहाँ पर ही देख सकते हैं बच्चों के लिए यहाँ पर एक ट्रेन टाइप का है। हाँ यहाँ देख सकते हैं सामने में। और चलते हैं, देखिए ओपन जिम है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल खाली है, और बाकी अगर शिवरात्रि में आते हैं
या फिर न्यू ईयर हो गया, इस टाइप के सीजन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है भीड़ देखने को मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। यहाँ पर मैंने जो है पूरा यहाँ पर कवर कर लिया है, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है, टाइमिंग से लेके सारा कुछ मैंने जो है इस वीडियो में कवर कर लिया है। फिर भी कुछ अगर मिस मैंने किया है तो आप कमेंट्स में कमेंट करके जो है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है रिप्लाई जरूर करूँगा और ज़रूर आपको जो बता दूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैं एकदम जो है लक्ष्मण झूले के पास में पहुँच गया हूँ और यहाँ से एक नज़ारा आपको जो है दिखा देता हूँ। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से वापस बाहर की ओर। तो और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा एक नई जगह के साथ एक नए वीडियो में।